यहाँ से देखें तो कितना नीट एंड क्लीन लुक आ रहा है, और पीछे काउल भी मिल गया, तो पीछे से भी एक ऐसा सा हो गया कि आपको प्लास्टिक वाला काउल लगाने की जरूरत नहीं है, आपकी सीट में ही काउल है, पीछे बंदा बैठ भी सकता है। हेलो मेरे शौकीन लोगों, आज एक और चीज लेके आया हूँ। देखो पीछे दिखा तो यहीं से, वो देखो दिख रही है कुछ मेरी बाइक में लगा हुआ है, कुछ सुपर सेक्सी है, सुपर सेक्सी। चलो पास से देखें, चलो दिखाता हूँ क्या चीज़ है, सुपर सेक्सी चीज़ है, मज़ा आ जाएगा जी। वो है सुपर सेक्सी चीज़, ये वाली सीट विद काउल। जो भी देख रहा है ना बंदा, वो कह रहा है यार बहुत खूबसूरत है यार, सीरियसली जो भी देख रहा है, नया टाइप का डिज़ाइन है, खुद ही सोचा था, खुद ही बनाया, बैठ के समझाया जो कि इसको बनाने वाला फैब्रिकेटर था। अभी क्या हुआ, जब मैं सीट का वीडियो बना रहा था तो वहाँ पे मैं हैंडल का वीडियो शूट कर रहा था रोड के उस पार, मैं इस पार इसलिए आया, वहाँ पे ना कुत्ते हैं बहुत सारे। 2 मिनट के लिए मैं इधर उधर गया था, अपना ट्राईपॉड वगैरह सेट कर रहा था, सीट पे चढ़ गया कुत्ता। ये देखो नई बिल्कुल ब्रांड न्यू सीट जो हमने कल रात को बनाई है, जिसमें इतना दिमाग लगाया है, उसके ऊपर कुत्ते ने अपने पंजे मार दिए ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, पता नहीं चढ़ चढ़ के क्यों बैठ रहा था मेरी सीट पे, मुझे समझ ही नहीं आया कुत्ते को सीट पे चढ़ के मेरी यहाँ पे क्यों बैठना है या फिर बाइक पे क्यों चढ़ना है, उसको क्या मज़ा आएगा। तो फिलहाल उसने कर दिया है मेरा नुकसान, लेकिन जब ये नहीं होगी तो ऐसी होगी, देखो कुछ बिल्कुल क्लीन एंड फाइन, ये वाले निशान तो होंगे नहीं क्योंकि कुत्ता आपकी सीट पे चढ़ेगा नहीं, मेरी सीट पे चढ़ गया मेरा हो गया नुकसान, तो मेरे को एक कवर चेंज कराना पड़ेगा। चलो सीट के बारे में बात करते हैं। सो गाइस, आज है इसकी सीट की बारी, इसकी सीट हम चेंज कराने वाले हैं, और प्लान कुछ ऐसा है कि इसके पीछे एक बहुत ही प्यारा सा कॉल बनाएंगे। अब ये जो चटाई वाला जो पैटर्न देख रहे हो ना, ये लगता तो रेट्रो है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है, इसमें ना बहुत ज़्यादा ये देखो ये गंदगी जो है ये भर जाती है, ठीक है। इसको हम कराएंगे बिल्कुल प्लेन वाला लुक, और इसका जो अब जो लुक आने वाला है वो होगा एक डिफरेंट टाइम, डिफरेंट काइंड ऑफ, बिल्कुल पीछे से स्लिम हो जाएगी और यहाँ पे बनेगा एक काउल, और यहाँ से यहाँ तक ये सीट होगी बिल्कुल स्लिम। तो मेरी जो चटाई पैटर्न वाली जो सीट थी, जो कि आपने पहले भी देखी हुई है, वो भी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन ये उससे ज़्यादा क्यों अच्छी लगी मुझे, क्योंकि मैंने इसके अंदर सोचा कि एक ना काउल बनवाते हैं। देखो अगर इसको पीछे से दिखाओ ना, तो अभी धूप बहुत तेज़ हो रही है, बहुत तेज़, तो ये वाला जो काउल के अंदर ये वाला जो निशान आ रहा है ना, इसमें आपको शेडो दिखेगी, ठीक है। तो ये वाला जो एक ना ऐसा है जैसे बैकबोन नहीं होती हमारी रीड गड्डी, वो रीड गड्डी है इसके अंदर, ये रीड गड्डी वाला डिज़ाइन है, बैकबोन सीट टाइप से है, बहुत ही शार्प क्लीन। और दूसरी चीज़, पीछे से ये बढ़ बढ़ गई है, देखो यहाँ से बढ़ चुकी है, थोड़ी सी आगे की तरफ आ चुकी है, तो ये वाला जो गैप है, ये वाला गैप डिफ़ॉल्ट सीट लगाते हो तो कितना ज़्यादा होता है ना, इसमें कम है, इस वाली सीट के अंदर ये गैप आपको कम मिल जाएगा, तो पीछे से भी लोग अच्छा मिल जाएगा। ये सिर्फ इंटरसेप्टर और जीटी के अंदर लग सकती है, और ऐसी सीट क्लासिक में नहीं लग सकती है, थंडरबर्ड के अंदर लग जाएगी, लेकिन क्लासिक में नहीं लगेगी, स्टैंडर्ड में ही लगेगी। हुआ क्या कि मैंने उनको बोला कि भाई देखो मेरी जो सीट आगे से बनी हुई है ना, ये वाला जो शेप है ये तो ये रखो, पीछे से इसमें कुछ कलाकारी करते हैं, क्योंकि अब बहुत दिन होगा चटाई वाली सीट चलाते हुए। तो अगर आप इसको यहाँ से देखें तो कितना नीट एंड क्लीन लुक आ रहा है, और पीछे काउल भी मिल गया, तो पीछे से भी एक ऐसा सा हो गया कि आपको प्लास्टिक वाला काउल लगाने की जरूरत नहीं है, आपकी सीट में ही काउल है, पीछे बंदा बैठ भी सकता है और सीट के अंदर ही काउल है, तो ये काउल वाली सीट बन गई है। तो मैंने जो फैब्रिकेटर था उसको क्या थोड़ा सा दिमाग दे दिया कि भाई इसको ना थोड़ा सा हमें ऐसे करके ऊपर की तरफ लेके जाना, उसको मैंने एक फ़ोटो भी दिखाई जहाँ से कि हमने ये वाला जो चोंच है ये लिया, ये वाली जो लाइन आ रही है, तो उस बंदे ने मेहनत करी मेहनत करी, मेहनत करने के बाद में मेहनत ला गई रंग, और उसने ये जो है सीट 1-1.5 घंटा लगाया इसके अंदर, पूरा अच्छे से इसको फिनिश किया था पूरा अच्छे से। जब ये इसके ऊपर कपड़ा नहीं चढ़ा होता ना, ये तब देखना आप, बिल्कुल क्लीन एंड नीट होती है ये, ठीक है, पूरा इसको घिसते हैं, सब सारी चीज़ होती है, सारा प्रोसेस होता है। तो यही वाला सीन था, हमने रात को बैठ के मेहनत करी इसके लिए। मैंने सोचा जो शौकीन लोग हैं मेरे जैसे, जिनको थोड़े थोड़े दिनों में उनके शौक चेंज हो जाते हैं, तो मैंने सोचा उनको भी दिखाता हूँ, क्या पता उनको पसंद आए। और ये जो सीट है अवेलेबल होगी ये kingindian.in पे, बहुत ही अच्छी सी सीट है, तो मैं इसको रखना चाहूँगा kingindian.in पे। दूसरा पॉइंट ये है कि जो हमारी डिफ़ॉल्ट सीट होती है, जो स्टॉक सीट होती है ना, इसका जो बेस होता है प्लास्टिक का होता है, लेकिन जो कस्टम सीट होती है ना, उसका बेस लोहे का होता है, तो बस यही दोनों के अंदर फ़र्क होता है। और मेरी वाली जो है ये स्टॉक के अंदर ही बनाई है, क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, आपको अगर चाहिए होगी तो उसमें लोहे का आपको मिलेगा जो बेस होता है, तो कंप्लीट सेटअप आपको मिलेगा, अपनी पुरानी सीट अपने घर में रख लो और ये नई वाली जो सीट है ये लगा लो। ओके, तो मैं बता रहा था कि ये शुरुआत कहाँ से हुई, ये शुरुआत हुई ये वाले लाइनें बनाने से, ये लाइनें बन नहीं पा रही थी किसी से, तो ये अगर पास से दिखाऊं मैं इसको, ये वाली जो लाइनें बोल रहा हूँ मैं, ये सिलाई नहीं है। फिर क्या हुआ कि उन्होंने मुझे बोला कि हाँ ना हम सिलाई कर देंगे,
तो ये वाला पैटर्न रहेगा। नहीं, मैंने कहा नहीं, ये ऐसा सिलाई वाला पैटर्न नहीं चाहिए, पूरे पैटर्न चाहिए जो कपड़े के अंदर ही होता है। फिर ये हमने ढूंढा, ठीक है, ये ढूंढा गया कपड़ा, इसके ऊपर मेहनत लगी है भाई, एफर्ट्स लगे, इसलिए बता रहा हूँ पूरा पूरा वीडियो बना के। कपड़ा ढूंढा गया, कपड़ा यहाँ इसमें दो कपड़े यूज हुए, ये देखना, ये अलग है, ये वाला अलग है। ये वाला फैब्रिक जो है लेदराइज्ड टाइप्स है, ये थोड़ा सा प्लेन है, बट इसके ऊपर ये वाला पैटर्न है। तो ये दो पैटर्न को मिला के बनता है, ये देखो यहाँ से सिलाई हो रही है ना, ये वाला जो साइड वाला एरिया है ये भी इस वाले फैब्रिक का ही है। देखो दिखाऊं मैं, ये लेदराइज्ड, आपको इसमें लेदर वाला फील मिलेगा, इसके अंदर आपको प्लेन फील मिलेगा, लेकिन ये वाला टेक्सचर मिलेगा। तो चलो, मेरी सीट तो कर दी कुत्ते ने ख़राब, मेरा हो गया नुकसान काफ़ी। ये देखो कुत्ते ने कैसे पंजे मारे हैं, पता नहीं दांत मार दिए साले ने, पंजे मार दिए, बहुत ही ख़राब कर दिया। अब मेरे को ये कवर दोबारा से चेंज करवाना पड़ेगा। तो ये था इसके ऊपर, और ये बनती कैसे है, बनाने के लिए हमने इसको सीट वैसी ही ली, उसके ऊपर तीन टाइप्स के फॉर्म यूज़ करे हैं यहाँ पे। पहला फॉर्म इसकी बेस बनाने के लिए, दूसरा फॉर्म उसको कंफर्ट देने के लिए, तीसरा फॉर्म इसकी ये वाली टाइटनेस, ये जो हड्डी है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये देने के लिए। क्योंकि इसको आप नॉर्मल फॉर्म से बनाओगे कभी नहीं बनेगी, इसको आपको टाइट वाले फॉर्म से बनाना पड़ेगा। उसके ऊपर एक और लेयर डाली गई जो कि बहुत ही सॉफ्ट वाला, इतना सा होता है वो फॉर्म, इतना मोटा होता है वो डाला गया, उसके ऊपर ये वाला कवर चढ़ाया गया। तो ये सारी सारी R&D होती है जब भी आप बनाते हैं, और जब भी आप ये जो सीट वगैरह का काम कर रहे होते हैं फैब्रिकेटर, इनके साथ में आपको बैठना पड़ता है। इन लोगों के साथ बैठोगे, अपना थोड़ा सा दिमाग दोगे, ये लोग आपकी बात सुनेंगे समझेंगे, लेकिन उसके बाद में भी ना थोड़ा बहुत चेंजेस करके देंगे। लेकिन आप ना अच्छे आदमी के पास जाओ, जैसे कि मैं गया, उसने मेरी बात सुनी समझी पहले आराम से, उसने ये नहीं बोला कि भाई मैं बना दूंगा अपने हिसाब से, वरना वो गलत ही बना देता। तो उसने पहले मेरी बात सुनी समझी, और हर एक स्टेप पे मेरे को दिखा रहा था कि मैंने ये काट दिया देखो, मैंने ये बना दिया देखो। तो मेरे को ये चीज़ अच्छी लगती है, ऐसे लोग मुझे अच्छे लगते हैं जो कि काम धंधे में इतना ज़्यादा ध्यान देते हैं, जो कि कस्टमर की रिस्पेक्ट करते हैं। वरना मार्केट में चले जाना, बहुत सारे लोग पता है क्या बोलते हैं, जो कि सीट के बादशाह अपने आप को बोलते हैं, वो कहते हैं हम बना देंगे, लेकिन वो पता है कैसी बनाएंगे, कुछ इस टाइप की सीट्स बनाते हैं, वो बहुत गंदी गंदी। मैंने एक बारी पैसे ख़राब करा लिए अपने, इसलिए मेरे को ये एक्सपीरियंस हो गया। तो जी मेरे शौकीन लोगों, ये था सीट का वीडियो। हैंडल इसमें क्लिपॉन्स लगा रखे हैं GT के, ये वाले हैंडल का वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप देख ही चुके होंगे पहले। और ये जो सीट है ना, ये वाकई में कमाल लग रही है और धमाल मचा रही है। तो ये आपको मिल सकती है KingIndian.in से, अगर आपको चाहिए तो आप जाके ऑर्डर कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है। चलो अच्छे से रहना, और घर में सेफली रहना, काम धंधे पे ज़्यादा ध्यान दो, और पढ़ते हो तो पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो, तो अपनी फैमिली का ख्याल रखो अच्छे से। चलो बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग, किंग इंडियन, बाय बाय।